जी वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया, आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और इस वक्त फिल्म रिव्यू का सेगमेंट है। जी हाँ जनाब, हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद शेख, हमारे कल्चर रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज के और बड़े एक्टिव हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आज रोबोट फिल्म के हवाले से हमें क्या बताएंगे। बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी रोबोट फिल्म की, पता है तुम्हें, और वो जब लगी और मैंने देखी, वो जो 3 पेनफुल घंटे मैंने सिनेमा में गुजारे हैं, छोटा ट्रेलर देखते हैं इस फिल्म का और फिर आके इस पर आपसे तबसरा कराते हैं। हेलो वर्ल्ड, मैं एक रोबो हूं। मैं एक दिखता इंसान हूं पर हूं एक मशीन। जी मुझे सिर्फ बंदूक और बंदूकों की आवाज और रजनीकांत अंकल नजर आए हैं, ऐश्वर्या भी आई हैं, लेकिन ये कि इनसे जानते हैं मुजाहिद साहब से, आपने मूवी देखी मुजाहिद साहब? जी बिल्कुल। कैसी आपको लगी? मुझे सिर्फ वो रिव्यू करेंगे तो जाहिर बात है, मतलब मैं उस तरीके से पूछना चाह रही हूँ कि जज्बे से अगर कहेंगे तो फिर इसका मतलब 10/10 है। आपको कैसी लगी मूवी? बिल्कुल, उस पर स्टोरी तो ऐसी कोई है नहीं जो उसको लोग देखने जाएं, और पाकिस्तान में भी उसका बिजनेस जो है वो ना होने के बराबर है, और इवन डब्ड है पूरी फिल्म। हाँ, एक मशीनी फिल्म है रिबोट, एक फिल्म का जो नाम है उसको शायद नाम से तो लगता है कि बच्चे उसे ज़रूर देखने जाएंगे, लेकिन बच्चे भी नहीं जा रहे। अगर बच्चे किसी फिल्म को पसंद करते हैं तो वो फैमिलीज भी उसको ज़्यादा देखने के लिए जाती है, लेकिन ना तो इस फिल्म को कोई बच्चे ज़्यादा देखने जा रहे हैं ना ख़वातीन। उसकी वजह ये है कि ना ही ये हाईटेक फिल्म है जो कि एक्सपेक्ट होते हैं कि ये रोबोट नाम है तो बड़ी हाईटेक होगी, और ना ही ये बिल्कुल बेसिक है, अजीब सा एक खिचड़ी बन गई है। एक्शन है या लव है, क्या है, क्या बेसिकली? तो ये एक्शन है। ये एक्शन इस लिहाज से है कि रजनीकांत ने हमेशा बड़ा अजीब सा एक्शन किया है। वो सिगरेट फेंकते हैं और वो ऐनक ऐसे स्टाइल में लगाते हैं, वो ऐसी आवाजें उनकी निकलती हैं, तो वो इसी तरह से उन्होंने उसको रजनीकांत को मैनेज करने के लिए एक रिबोट बनाया जो इस उम्र में भी वो एक्शन कर सके। ऐश्वर्या राय का मेरा ख्याल है बहुत अच्छी उन्होंने फिल्में की, लेकिन इस तरह की फिल्म उन्होंने शायद आज तक नहीं की। ये क्या बात सही है, अक्सर लोग कहते हैं करियर बिल्कुल नीचे जा रहा था तो इस वजह से उन्होंने ये साउथ की फिल्म कर ली, कि क्योंकि ये उन्हें पता था कि रजनीकांत आ रहे हैं इतने से बात तो ये हिट होगी। हाँ। सुपर हिट होगी तो मैं भी साथ ही हिट हो जाऊंगी, इस बात में हकीकत है। बिल्कुल फारूक, ऐश्वर्या राय का जो है इस वक्त वो ग्राफ नहीं रहा। हाँ। जो नई आने वाली लड़कियां हैं वो ज्यादा तेजी से काम कर रही हैं और ज्यादा लोगों में पसंद की जा रही हैं। ये उन्होंने किया है, रजनीकांत ने बड़े अरसे बाद एक फिल्म की है और साउथ में तो वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनको वहां भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत लोग गए। जो उन्होंने इंडियन जो बोलते हैं उनके 300 करोड़ से ज्यादा बिजनेस उसने फिल्म ने रिबोर्ड ने किया है, जो पूरी दुनिया का टोटल वो बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब से ये फिल्म लगी है कोई इसका शो 8,000 का, 6,000 का, 7,000 का, इससे ज्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन अब डे बाय डे वो भी शो जो है वो उसकी उसका ग्राफ जो है नीचे आता है। अच्छा शेख साहब, एक सवाल मैं इसमें दो बेसिकली पूछ रहा हूँ। एक तो ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है, ए आर रहमान ने बड़ा एकम्प्लिश्ड कंपोजर भी हैं, तो लेकिन वो टच मतलब जो उन्होंने सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स में हमें नजर आए वो इसमें शायद उस लिहाज से मैं नहीं फील कर सका, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड था कि जी जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता था एक ज़माने में वो हर अपनी फिल्म जब बनाता था तो एक्टर एक्टिंग में खुद करता था और अपने ऊपर ही कैमरा होता था 80-90% ऑफ द टाइम और 10% जो है वो कवर करता था। इस फिल्म में रजनीकांत एक पहले अपने ओरिजिनल नजर आए दाढ़ी मूंछों में, प्रोफेसर बने हुए, डॉक्टर बने हुए, उसके बाद रोबोट के रूप में नजर आए और फिर रोबोट्स के आगे कॉपीज थी उसमें भी 1,000 रजनीकांत बैठे, क्या ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया? बिल्कुल हुआ है। ए रहमान का म्यूजिक जो है इस बात की दलील होता है कि किसी भी फिल्म में उनका गाना एक या दो गाने उनके सुपर हिट होंगे। उस फिल्म का म्यूजिक भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोगों को पता ही नहीं चला कि इसमें कोई गाना भी ऐसा है, ना उसकी पोएट्री ना उसका म्यूजिक। और रजनीकांत ने बिल्कुल अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपोज किया है, वो रिबोट वो जो बनाने वाला है पहले वो भी खुद बने हुए हैं, फिर उसके बाद जो रिबोट बनता है उसकी शक्ल भी वो अपने से बनाते हैं,
जैसे वो खुद होते हैं उसमें, फिर उसके बाद और उसके आगे जो रिपोर्ट बनते जाते हैं वो भी वही बनते हैं, वो गेटअप थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन रजनीकांत ही जो है इस पूरी फिल्म में दिखाई दी। तो यानी ऐश्वर्या को तो ऐसी रस्म नहीं डाला, ऐश्वर्या का तो उसमें कुछ करेक्टर भी ऐसा नहीं है कि वो कोई ना तो उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस नजर आई है, बस एक ऐसे ही है कि तो मुझे बताएं 350 करोड़ का पहले हफ्ते में इंडिया में कैसे बिजनेस हो गया? ये 350 करोड़ का जिन्होंने बिजनेस, 350 करोड़ हाँ 350 करोड़ का ये बिजनेस उसी तरह से है जैसे इंडियन अपनी हर फिल्म के बारे में कहते हैं। अच्छा। अगर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में थ्री इडियट्स और उसके बाद माई नेम इज खान, इन दो फिल्मों ने बिजनेस किया और इनका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक किसी फिल्म दबंग भी तो है, दबंग का भी है लेकिन ये भी दबंग की तरह ही है, मतलब उसको आप उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अच्छा जी ब्रेक लेनी है लेकिन क्या नहीं, लेकिन तुम नहीं, तुमने जो कार्ड्स पकड़े मैं चाहती हूँ उसमें ब्रेक कहाँ से लेनी है, तुमने बताओ क्योंकि वो बाजार है यहाँ पे दुकान लगी हुई है, वो भाई साहब नहीं, वो जो देखो नीचे वो टांग हिला रहे हैं वो उनके कैमरे में लेके ले, वो तुम लोगे ब्रेक। ठीक है जी, अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। और भी कुछ कहना? नहीं मेरे ख्याल में यही कह रही है, बात कौन आ रहा है ये तो बता दो, मैं बताऊंगी। नहीं मैं चाहती तुम सीनियर सिटीजन को देना चाहिए मौका, तो फिर तो मुजाहिद शेख साहब को। अच्छा जी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे वर्ल्ड रिनाउंड अंपायर, अगेन पाकिस्तान का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया, इन्होंने आईसीसी ने इन्हें दूसरी मर्तबा कंसेक्यूटिवली बेस्ट अंपायर का अवार्ड दिया, अलीम डार साहब अपनी वाइफ के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सक्लूसिवली, बहुत सी मजी मजे की खट्टी मीठी बातें उनसे करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। Jaga, 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 jaga